बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को अपने झांसे में लेकर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत नेपा नगर थाने में दर्ज थी। वहीं युवक और युवती को नेपा नगर पुलिस इंदौर से हिरासत में लेकर थाने लाई। यह खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हिंदू संगठनों का जमावड़ा लग गया, नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहीं सभी हिंदू संगठनों को भी समझाइश देकर शांत कराया गया, किंतु सभी संगठनों द्वारा पिछले 2 दिन से नेपा नगर बंद कर दिया गया है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। वहीं इस संबंध में एसपी राहुल कुमार से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि नेपा नगर थाने में युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, जिसके आधार पर पुलिस ने युवती को एक युवक के साथ हिरासत में लिया। युवक का रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि युवक इसी प्रकार युवतियों को अपने झांसे में लेकर भगा कर ले जाता है, जिसके आधार पर युवक के खिलाफ 375 में अपहरण का मामला दर्ज कर युवती को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से युवती को नारी सुधार केंद्र भेज दिया गया। नगर में एक लड़की को एक लड़का लेके भाग गया था। उसके अंदर पहले गुमशुदगी कायम की गई थी, क्योंकि लड़की जो है वो 18 साल 2 महीने की है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में ये बातें जानकारी में आई, जब उसका रिकॉर्ड निकाला गया, तो पहले भी इस तरह की घटना जो है वो 2018 में कर चुका है, जिसके अंदर 376 का मुकदमा कायम था। तो उसके ऊपर और भी जब साफ आए तो उसके आधार पर 365 का मुकदमा कायम किया गया। 365 का मुकदमा कायम करने के बाद में उस पर काफ़ी लोगों को हम लोगों ने पूछताछ की है। अभी आज सुबह जो है वो लड़का और लड़की बरामद कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई, अब जो भी बयान वयान आएंगे उसके हिसाब से हम लोग करेंगे।